हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लोक संत धन्ना जी के बारे में। मित्रों, धन्ना जी का जो जन्म है वो राजस्थान में धुवन गांव टोंक में बैसाख कृष्ण अष्टमी को हुआ था। मित्रों, धन्ना जी जो है वो राजस्थान में धार्मिक भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय इनको जाता है। लेकिन पंद्रहवीं सदी में जो धार्मिक आंदोलन है राजस्थान में, उसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो धन्ना जी को दिया जाता है। मित्रों, धन्ना जी का जो जन्म है वो 1415 ईस्वी को हुआ था और बैसाख कृष्ण अष्टमी के दिन इनके पिता का नाम था रामेश्वर जाट। ये जाट परिवार से संबंधित थे। मित्रों, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ है। मित्रों, बाल्यकाल से ही धन्ना जी का जो झुकाव था वो भगवत भक्ति की तरफ था। भगवत भक्ति यानी कि विष्णु की भक्ति पर इन्होंने, विष्णु की आराधना पर इन्होंने अधिक ध्यान दिया। इनकी तरफ झुकाव इनका अधिक थे। एक दिन मित्रों, ये घर बार छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए रामानंद जी के। मित्रों, धन्ना जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे, यानी कि भगवान की निर्गुण भक्ति पर करने पर ये जोर देते थे। धन्ना जी के द्वारा रचित जो पद है उनका संग्रह मित्रों धन्ना जी की आरती नामक ग्रंथ में मिलता है। धन्ना जी की आरती। मित्रों, धन्ना जी को मानने वाले विवाह में केवल गणेश जी की पूजा करते हैं। धन्ना जी मोक्ष प्राप्त करने में गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं मानते। इनका मानना था कि एक गृहस्थी व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन को ये आवश्यक मानते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने गुरु के मार्गदर्शन को आवश्यक बताया है। गुरु के महत्व को समझाते हुए धन्ना जी कहते हैं कि जगत में ईश्वर का मार्गदर्शन मेरा गुरु है, यानी कि मेरे लिए गुरु का बहुत महत्व है। जब मैं अपने गुरु की शिक्षा और आदर्शों पर मनन करता हूँ यानी कि राम, तो हृदय को बड़ी शांति मिलती है। यानी कि एक गुरु ही है जो हमें ईश्वर की प्राप्ति करा सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन से ही हम ईश्वर को या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, धन्ना जी जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने मित्रों कोई पंथ नहीं चलाया, इन्होंने कोई संप्रदाय नहीं चलाया। बस इतना सा है कि इनका जो पहनावा है, धन्ना जी को मानने वाले जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, इनका जो पहनावा है वो रामानंदी साधुओं जैसा होता है। मित्रों, पांचवें सिख गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव जी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी की भक्ति भाव के बारे में उल्लेख किया है। यानी कि हमें धन्ना जी की जो चर्चा है वो गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती है। मित्रों, लोकमान्यता के अनुसार अगर किसी खेत में पैदावार कम हो जाती है और फसल को कोई बीमारी लग जाती है तो धन्ना जी के भक्त के खेत की मिट्टी ले जाकर अगर उस खेत में डाल दी जाए तो पैदावार अच्छी व बीमारी ठीक हो जाती है। मित्रों, धन्ना जी का जो मेला है वो धुवन गांव टोंक में लगता है, जहाँ सबसे ज़्यादा पंजाब के जो लोग हैं वो इनका दर्शन करने, मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। मित्रों, इनके जो सबसे ज़्यादा अनुयायी है वो पंजाब में है। मित्रों, धन्ना जी के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।